नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो देखो, अभी सेकंड सेम की है जो एग्ज़ाम हो रही है और किसी यूनिवर्सिटी के जो होने वाली है, और ये जो वीडियो है ना, ये सभी के लिए है। अब ये मत सोचना कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं है, तो आपके सिलेबस से ही है, कोई और सिलेबस का नहीं है। MSc प्रीवियस की बात कर रहे हैं हम, और MSc प्रीवियस में सेमेस्टर चलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं चलते हैं। और इन्हीं से हम सेकंड सेम के जो क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंट, वही बात करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चनों के नोट्स चाहिए आपको, आंसर चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 90 57 70 15 45, तो आप नोट्स ले सकते हैं हमसे। और पिछली बार भी बच्चे बहुत से नोट्स लिए और उन्हें अच्छा नंबर है जो स्कोर हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट मिलेंगे, और ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी मीडियम से हैं और उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए आ जाइए, आ गए सभी? ओके, डन। चलो तो देखो, ये पेपर है जो किसी यूनिवर्सिटी से मेरे स्टूडेंट ने ही मेरे को भेजा है, तो आप अगर आपके एग्ज़ाम लग चुकी है तो मेरे को आप लोग अपना पेपर ज़रूर भेजें, सेकंड का हो या फर्स्ट का हो या थर्ड का हो, जो भी है आप लोग ज़रूर भेजिएगा। इतना काम आप लोगों को करना है, नंबर मैंने बता दिए, ठीक है? चलो अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से, ये पेपर है अपना, और दिस क्वेश्चन पेपर इज मेंट ऑफ ऑल रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट। ये तो बात बता रही है, यूनिवर्सिटी छोड़ो इनको, एलोकेशन कैरी ऑन इक्वल मार्क्स, 60 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, चलो इनका ये इतना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, कि भाई कोई रिएक्शन, जो रिएक्शन रेट है कोई केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन उठाया गया, और उसमें आपको बताना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसको आपको डिस्कस करना पहले, तो क्या करना, अच्छी तरीके से उसके बारे में बताना है, और इनकी जो एग्जांपल है वो आपको बताना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है जो हर बार है, जो क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, और ये क्वेश्चन है जो बना है और एग्ज़ाम में भी आया है इस पेपर के अंदर। तो आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन पर ध्यान देना थोड़ा। अब देखो, थोड़ा सा और देख लेते हैं, राइट जनरल फ्यूचर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ये लो एक साल्ट रिएक्शन, साल्ट इफेक्ट वाला वो भी चलता अपना, और एक यहाँ पे अपनी है फर्स्ट रिएक्शन की, भाई कितनी जल्दी से ये रिएक्शन हो रही है, तो इनके बारे में आपको जनरली बताना है, ठीक है? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब इनमें देखो, जो अथवा में आए हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा है, काइनेटिक्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है वो देखो, तो इसमें पूछा डिफाइन, तो आपको परिभाषित करना है किसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो फोटोन से जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में आपको डिफाइन करना है, क्या होती है उनको अच्छी तरीके से, उनकी परिभाषा को आपको बताना है, ठीक है? उसके बाद में क्या पूछा, डिस्कस काइनेटिक ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमिन, यानी यहाँ पे जो बात हुई है वो HBr के बारे में बात हुई है, कि भाई इसकी ये बतानी है आपको, इस रिएक्शन की, इसके बारे में आपको ये बतानी है, क्लियर है? अब अगला जो आता अपना राइट इन नोट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना, बड़े वाले क्वेश्चन में आएंगे ये, ठीक है? जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो। उसके बाद में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट इन नोट ऑन फ्लो मेथड ऑफ स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे फ्लो मेथड है वो यूज़ किया गया, और किसके लिए, स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन के लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करो, लिखो, और अगर आप लोगों के पास में कुछ भी मटेरियल नहीं है तो आप लोग ज़रूर अपने व्हाट्सअप नंबर उन पे मैसेज करो, और नोट्स हैं वो परचेज करो। अब कई बच्चों के कंफ्यूज ये होता है कि नोट्स में इतने पैसे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आज तुम इस पढ़ाई के अंदर इतने पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो आगे कैसे दे पाओगे, हर चीज़ में हम व्यर्थ में लगा देते हैं। लेकिन ये तो आप पेपर के अंदर आपने परचेज कर भी लिया, तो आपने इनके आंसर लिया और पढ़े और अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो वो कितना फ़ायदा होगा, पैसा उस टाइम में पैसे याद नहीं आएंगे, जब रिजल्ट आता है तब हम क्या सोचते हैं, बस अपने नंबर कितने आ रहे हैं वही सोचते हैं, और अच्छे नंबर आते हैं तो बस पैसे थोड़ी ना देखा जाता उस टाइम में, नहीं देखा जाता ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई में कभी भी व्यर्थ में, मतलब जो पैसे लगते हैं पढ़ाई के प्रति, उनको व्यर्थ नहीं बोला जाता है, ठीक है? अब आगे देखो, व्हाट आर सरफेस एक्टिव एजेंट, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया, तो इसमें आपका पूछा कि भाई सरफेस एक्टिव क्या एजेंट क्या होते हैं वो बताओ आप, ठीक है? और उसके बाद में क्या है, डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन इन डिटेल, आपको पहले तो उनके बारे में बता देना है,
उसके बाद में क्या करना है, इनका जो वर्गीकरण है वो डिटेल टू डिटेल बताना आपको। क्लियर पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। जो नहीं पढ़े हैं तो वो जरूर पढ़ लें आप लोग। उसके बाद में क्या है, राइट ए नोट ऑन कैपिलरी एक्शन। ये है कैपिलरी एक्शन क्या होता है वो आपको यहाँ पर डिटेल से बताना है। ओके, तो ये इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है आपको, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए सारे। अब देखो आगे, डिस्कस द फॉलोइंग इन शॉर्ट। अभी यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, वो केवल शॉर्ट में ही करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। को क्या क्या पूछा है वो देखो। तो दोस्तों यहाँ पे पूछे रिवर्स मिसाइल्स क्या होते हैं, उसके बाद काउंटर आयन बाइंडिंग टू मिसाइल्स, जो काउंटर आयन हो वो किस तरह से मिसाइल्स बनाते हैं, बाइंड होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अपनी केल्विन इक्वेशन हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको देख लेना, 100% आने वाला ये अभी के अभी। क्या बोला मैंने, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों, 100%। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है अपना। तो यहाँ पे जो बताना, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं वो बताइए, फिर फायर रेजिडेंस पॉलीमर्स क्या होते हैं वो बताइए, फिर लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है जो आपको करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या है, डिस्कस इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो भाई साहब आपको यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के बारे में और उनके मैकेनिज्म को डिटेल से बताना है आपको यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना मेरी, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा होगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलो, बहुत से स्टूडेंट के जवाब आते हैं, रिप्लाई आते हैं कि सर कुछ किए, मैसेज भी करते हैं और बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो मैंने सोचा आप डेली के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। और आप लोग मेरे को ज़रूर भेजिएगा जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्लीज़ आपसे फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपना पेपर भेजेंगे व्हाट्सअप पे। ठीक है, हाउ द एवरेज डायमेंशन ऑफ चेन स्ट्रक्चर इज़ कैलकुलेट। तो यहाँ पे वो चेन बनती है उनको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, अब देखो अगला, अब के डिस्कस एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन फॉलोइंग इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, किसके लिए है ये प्रोसेस, हीट फ्लो, केमिकल रिएक्शन, तो इन दोनों के लिए आपको ज्ञात करनी है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से उठाए गए। उसके बाद में राइट नोट ऑन द फॉलोइंग एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो। फिर से बता दूँ मैं, 200% दूंगा इसको, इस क्वेश्चन को 200% दूंगा। अब जाओ और इन क्वेश्चनों को पढ़ो। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जनरलाइज्ड फ्लेक्शन एंड फोर्सेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आगे देखो, डिस्कस द फॉलोइंग हाफ वेव पोटेंशियल एंड सिग्निफिकेशन स्टेफेल्ड प्लॉट। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो आता है ये हर बार पूछा जाता है, टेफेल्ड प्लॉट, ये हर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बनता है। और एक आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, और इक्वेशन आते हैं प्यारी प्यारी, वो देखो क्या है, लिपमैन इक्वेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस। तो ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है ये पूरे के पूरे। अगला पेपर अपना ये है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये इसका ही है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने ये पेपर लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएंगे, और जिनको भी इनके आंसर चाहिए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देंगे, नंबर मेरे ये है 90 57 70 15 45। तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप मैसेज करो, सिलेबस भेजो और आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास हो और एकदम प्रिफरेंस दो, अब के अब जो लग जाओ सारे के सारे। तो ये इतना छोटा सा इम्पोर्टेंट ट्यूशन का वीडियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब पहली बार आए तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके मेरे को बता देना, और चैनल पे जितने भी वीडियो उनको देख लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।